हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम जा रहे हैं अपने दुकान जा रहे हैं खोलने। सो चलिए हम देखते हैं आज अपने दुकान में। तो यहाँ हम दुकान खोलने लगे हैं और देख सकते हैं ताला खुल चुका है एक, और ये दूसरा ताला खुलने जा रहा है। ये हमारे दुकान का फर्स्ट एंट्री वाला गेट है, जब जिसमें हम पहले एंट्री करते हैं वही गेट है ये। तो ये खुल चुका है, आप देख रहे हैं इसको। ये जो साइड में लगा हुआ था ना, उससे लगा देते ताकि खुले ना गेट, फिर से बंद ना हो जाए मतलब। और ये खुल चुका है। हमारे शॉप का दो दरवाजा है, तो ये पहला दरवाज़ा खुल गया, अब ये दूसरा दरवाज़ा खुलने जा रहा है। तो हर गेट में दो दो ताला लगा हुआ है। पहले तो और भी ताला था, तीन तीन लगा हुआ था, मेरे हस्बैंड लगा कर रखते थे, पर धीरे धीरे ख़राब हो चुका है सब ताला, इसलिए बस दो ही ताला है। देख रहे हैं दुकान का हालत कितना पुराना हो चुका है। हम लोग का दुकान भी बहुत पुराना हो गया है, सब बनाने लायक हो चुका है, पता नहीं कब नसीब होगा बनने का ये सब। तो ये देखिए दूसरा दरवाज़ा भी खुल चुका है, और अब यहाँ खोल रहे हैं। देख रहे हैं बाबू भी आके हंस रहा है, और ये बरसात के कारण दरवाज़ा आटा कटक जाता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है खोलने में। और ये देख रहे हैं हम लोग का दरवाज़ा खुल चुका है, और हमारा शॉप बिल्कुल एकदम रोड के किनारे पर है। तो देखिए खुल चुका है दुकान, अब हम अंदर जा रहे हैं। उसके बाद ये है हमारा छोटा सा दुकान, जो कि चलता उलता है नहीं, बस हम लोग चलाते रहते हैं किसी तरह से, और क्या बताएं। फ्रिज है, ठंडा बोतल रखे, पता नहीं फ्रिज चल रहा है, चल रहा है। चलो हटो, देखिए फ्रिज है। मम्मा आप चले बंद कर, नहीं तो अभी हम जाते हैं सफाई करने, दुकान में झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। पहले इसमें झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम उठा लिए झाड़ू और अब चले सफाई करने। पहले हम ये फूल वाला से जितना भी शीशा वगैरह या जितना भी सामान वगैरह है उनको सबको पहले झाड़ करके साफ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम नीचे में झाड़ू लगाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू और छोटी दोनों मेरे पीछे पीछे सब चले आते हैं, और निक्कू मेरी बहन भी चली आई थी, सब चले आता है, नहीं आता है तो कोई नहीं आता है। और यहाँ आ गए हैं सभी सफाई करने में लगे हुए, और छोटी तो रोने भी लगी थी, देख सकते हैं कैसे कैसे बदमाशी कर रहा है सब, एकदम आगे पीछे सब मंडराता रहेगा। जब हम भी दुकान पहुंचेंगे बस, मेरी बहन कुछ बोलने आई थी उसी से बात कर रहे थे हम, और यहाँ छोटी को चोट लग जाता तो रोने लगती है, देख रहे हैं कैसे बाल पकड़ के रो रही थी। वो नीचे टेबल के नीचे घुस जाती है ना, बस उसे चोट लग जाता है तो रोने लगती है, फिर बदमाशी स्टार्ट हो जाता है उसका, थोड़ा सा रोती है फिर स्टार्ट। और वो देख रहे हैं बाबू को कहाँ कहाँ चढ़ता है, इतना बदमाशी करता है, कुछ कहीं गए इतना मना करते कि ज़्यादा ऊंचाई पर मत चढ़ो गिर जाओगे, पर सुनता ही नहीं है। अब देखिए हम झाड़ू लगाने लगे हैं, वो फूल वाला से झाड़ लेते हैं, उसके बाद झाड़ू लगा लेते हैं, ताकि जितना भी ऊपर का डस्ट होगा ना, ये सामान वगैरह का, वो सब गिर जाता है तो फिर नीचे ज़मीन पे, तो उसके बाद उसको साफ करके निकाल देते हैं बाहर। यहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे हैं, और ये लोग बदमाशी कर रही है, दोनों भाई बहन इतना बदमाशी करता है पता नहीं, परेशान करके रख देता है हमको। अब मेरी बहन भी आ रही है जा रही है बार बार, बाबू भी एकदम परेशान किए हुए था, दोनों भाई बहन मिल के परेशान करते थे, इतना मना करते फिर भी क्या किया जा सकता है। और मेरा वॉइस थोड़ा पता नहीं क्यों इतना भारी है, और यहाँ पे छोटी ना
ये ड्रॉअर को नीचे निकाल दी थी और ये बरसात में अंदर जल्दी नहीं जा रहा था, पूरा अथी हो गया था। तो कैसे कैसे उसको अंदर किए और उसके बाद फिर झाड़ू लगाने लगे। ये हमारे हस्बैंड का ही शॉप है, जब हम वर थे तो चलाते थे क्या अब हम ही चला रहे थोड़ा, पर उतना कुछ खास नहीं चलता है दुकान, पता नहीं किसका नज़र लग गया, दुकान भी नहीं चलता है, हमारा परिवार को ही नज़र लग गया किसी का। सो सब भूल करके करना पड़ता है, सो कर रहे हैं, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, इसीलिए दुकान को खोलते हैं, पर चलता उलता कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए हम पूजा कर रहे हैं, पहले तो वो पानी छींटे ना तो छोटी भी तंग कर रही थी, फिर उसको भी दिए पानी छींटने के लिए, पर वो जितना भी पानी था ना सब गिरा देती है, कुछ छोड़ती ही नहीं है। यहाँ पे सब अगरबत्ती पहले जलाते, दिया भी जला रहे थे ना पर बुझ बुझ जा रहा था, इसलिए सोचे कि पहले अगरबत्ती जला लेते हैं उसके बाद दिया जलाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर से दिया जलाए, बार बार बुझ जा रहा था, फिर बुझ जाता है थोड़ा देर में, इतना भी मतलब कि हवा चलता है ना दुकान में। देखिए फिर से बुझ गया, फिर इसको जलाएंगे, उसके बाद फिर उसको साइड में एकदम कोना में ले जा कर रख देते हैं ताकि वहाँ पर बुझे ना, तो पूरा वहाँ पर रख दिए। यहाँ पे हम कुछ कुछ बोल रहे हैं पर यहाँ पे मेरा वाइफ जो है ना मतलब कि वहाँ पे रोड के किनारे घर है दुकान, तो बाहर से जितना भी है ना वॉल्यूम बहुत आ रहा था, इसलिए हम इसको ये म्यूट कर दिए और ऊपर से वाइज डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा कवर वगैरह लिए हुए थे तो रखे हुए हैं, इधर कोल्ड ड्रिंक है, बोर्ड वगैरह तार वगैरह यही सब है, ऊपर में मीटर लगा हुआ है हम लोग का, ऊपर में ये वो टेबल ये अलमारी के ऊपर में थी भी है रखा हुआ, ये पुराना चार्जर वगैरह है सब, पहले जो छोटा छोटा फ़ोन आता था ना वो सब का चार्जर है, ये बल्ब है, टेप होल्डर यही सब रखे हुए हैं, टेप होल्डर, बैटरी है, पेंसिल बैटरी, यहाँ पे हेडफोन वगैरह है सब पीछे में देख रहे हैं, यही सब। ये फ्रिज में छोटी तंग कर रही थी कि कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ये लोग जब भी दुकान जाती है ना तो बस कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक पीता है दोनों भाई बहन सुबह सुबह उठ कर। ऊपर देखिए ये बोर्ड वगैरह है सब, एक्सटर्नल बोर्ड है सब, और यही सब है। उतना तो हमें पता भी नहीं है शॉप के बारे में, क्योंकि ये शॉप को मेरे हस्बैंड चलाते थे ना तो उनको इन सब की जानकारी थी, हमको उतना है नहीं, पर क्या करें, सामान है पड़ा हुआ तो फालतू का बेकार जाएगा, इसलिए हम ये सब खोल करके सोचते हैं थोड़ा बहुत बिक जाए सो बिक जाए, और क्या कर सकते हैं, किस्मत को ही नहीं मंजूर था तो देख रहे ना। ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाना हम लोग की बस की बात भी नहीं है। हाय गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करते हो कि आपको अच्छा लगा हो, और ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं हमारे दुकान में, जो भी था सो दिखा दिए आपको हमने, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो अगर हम डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा, और तो और ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, सो बाय, टेक केयर।